नमस्कार दोस्तों, आज हम पगारिया की तरफ से आने वाले इस रेडियो के अनबॉक्सिंग करेंगे। ये रेडियो ऐसे बॉक्स में आता है, इसमें ऊपर की साइड रेट्रो लिखा है और राइट साइड में पगारिया की ब्रांडिंग की गई है। ये एक पोर्टेबल रेडियो है। इस ऊपर के साइड में कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी और रेडियो के फीचर्स दिए हैं। ये रेडियो ब्लूटूथ, यूएसबी और मेमोरी कार्ड से सॉन्ग्स प्ले कर सकता है और इसके साथ ही एफएम, एएम, एसडब्ल्यू ये तीन फ्रीक्वेंसी बैंड सपोर्ट करता है। ये लंबे समय तक चलता है और इसका 5 वाट का साउंड आउटपुट है। इस साइड भी स्पेसिफिकेशंस रिपीट किए हैं और इस साइड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, मॉडल नंबर, प्राइस वगैरह दिया है। इसकी प्राइस यहाँ पे 1990 दी है, पर मैंने अमेजोन से 1499 रुपीस में ख़रीदा है, यानी कि लगभग 1500 रुपये में ख़रीदा है। यहाँ पे इन्होंने मेड इन पीआरसी स्पेसिफाई किया है। पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। हालांकि मैंने ये पहले ही ओपन किया था तो इसका प्लास्टिक कवर वगैरह मैंने निकाल दिया है। इसके अंदर ये रेडियो और एक पाउच मिलता है। ये 5 वोल्ट का यूएसबी चार्जिंग एडाप्टर है। यहाँ उन्होंने मेंशन किया है नॉट फॉर मोबाइल चार्जिंग, मतलब आप इससे मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते। ये यूएसबी चार्जिंग केबल। ये कुछ कागजात, इसमें रेडियो की डिटेल्स, वारंटी डिटेल्स दी गई है। तो इसे रखते हैं साइड में और हमारे रेडियो की ओर आते हैं। ये रेट्रो मॉडल है। मुझे तो इसकी वुडन फिनिशिंग काफ़ी पसंद आई। इसकी बिल्ट इन क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर के साइड में ये 4 बटन दिए हैं और उसके साइड में यूएसबी स्लॉट और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट है। ये चारों बटन मेमोरी कार्ड और यूएसबी के सॉन्ग्स को कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, यूएसबी या ब्लूटूथ या एफएम, एएम और एसडब्ल्यू। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए उस पर आप इसे स्लाइड कर सकते हो। ये चार्जिंग एलईडी और यहाँ से आप रेडियो ऑन ऑफ या वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। ये चार्जिंग पोर्ट। इस साइड में यहाँ पे एंटीना दिया है। अगर आपके एरिया में सिग्नल वीक मिल रहा है तो आप इस एंटीना को यूज करके सिग्नल बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप बैटरीज लगा के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास बिजली का ऑप्शन नहीं है तो आप इसे बैटरीज लगा के भी सुन सकते हो। इसमें 1.5 वोल्ट्स की 2 बैटरीज लगेंगी। इसके सामने के साइड इसका स्पीकर और फ्रीक्वेंसी ट्यूनर है। इसको घुमाकर आप अपने पसंदीदा स्टेशन चला सकते हो। चलो तो फिर हम इसे चलाकर देखते हैं। काफ़ी कुछ मैंने सीखा कमल जी से और हमारे तीरू जो कैमरामैन थे या सारिका जी थी कॉस्ट्यूम कर रही थी, तो एक जो पूरा माहौल था मद्रास में हेराम के वक्त, उससे मैंने बहुत सीखा फिल्मों के बारे में, जिसकी मेरी ट्रेनिंग नहीं थी बिल्कुल। मैं थिएटर से था, तो वो जो एक पूंजी है मुझे लगता है मैं अब तक उसे साथ लेके चल रहा हूँ।
दोस्तों, ये जो रेडियो की आवाज़ में एक मिठास होती है, दिल खुश कर जाती है। अगर आप 90s में पले बड़े हो तो आपको ये आवाज़ ज़रूर आकर्षित करेगी। अगर आप इसे सारेगामा के कारवान से कंपेयर करोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि कारवान में सिर्फ गाने बजते हैं पर रेडियो पर बातचीत रहती है, कभी न्यूज़, रीजनल सॉन्ग्स, ओल्ड स्टोरीज, फिल्मी किस्से और बहुत कुछ। ये मैंने मेरे पिताजी के लिए ख़रीदा है। इसके प्राइस के हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर कोई ओल्ड सॉन्ग्स का फैन हो तो उनके लिए बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। ये बैटरीज से भी चलता है, तो इसे आप कैंपिंग या ट्रैकिंग के लिए भी ले जा सकते हो। मैं तो हमेशा से ही रेडियो का फैन रहा हूँ। इसके पहले मेरे पास ओल्ड कैसेट प्लेयर रेडियो था, वो मैं 100 बार ठीक करा कर चला रहा था, पर इस बार वो पूरी तरह टूट गया, तो मैंने ये मंगवा लिया। ये भी सही चीज़ है। मुझे तो ये रेडियो बहुत ही अच्छा लगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आपके पास भी रेडियो है या कोई रेडियो रिलेटेड स्टोरीज है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।